और ये इसका एंट्रिंग पॉइंट है यहाँ नीचे से, और ये जो है यहाँ पे तालाब बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह के प्यारे नाम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और हमारी यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा है मंगला डैम एंड रोहतास फोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। यार आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत सुबह जो है वो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 6:15 हो रहे हैं, और हमें यही टाइम दिया गया था कि मतलब यूनिवर्सिटी से जो है वो बस डिपार्चर का टाइम यही था। जाते हैं जी, देखते हैं स्टॉप पे क्या सूरत हाल है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि हॉस्टलाइज जो है वो इतनी सुबह उठेंगे। ये जी सूरज निकलने वाला है और बसेज हमारे सामने खड़ी हुई हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमने अपना सफ़र 6:15 शुरू करना है, लेकिन हमने लेट करते करते 7 अपना सफ़र शुरू किया, और इस तरह रास्ते से डे स्कॉलर्स दोस्तों को पिक करते करते हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हाँ जी, तो ये हम मंगला डैम जो है वो पहुंच चुके हैं, और ये साथ चलते हुए वाम जो है ये मेरे दोस्त हैं। सो आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ व्लॉग। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। मंगला डैम पहुँचने के बाद हम लोगों ने सैर तफरी की, उसके बाद खाना खाया और सीधे बोट को पकड़ कर रामकोट के लिए निकल गए। हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से तमाम साथियों को बहुत सर्दी लग रही थी। ये देखें जी, हम वहाँ पे नीचे कश्ती से उतरे हैं, और ये मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, और अभी हाइकिंग कर रहे हैं। हमारी जो मंजिल है वो रोहतास फोर्ट है। रोहतास फोर्ट है, राम फोर्ट। सॉरी, अजीम सरमाया हमारे मुगल शहंशाह जो थे, ये पीछे उसको देखने जा रहे हैं हम लोग, और थक चुके हैं सब मोस्टली, लेकिन ये है कि इंजॉय भी तो हम लोगों ने करना है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। तो फाइनली गाइज, हम जो है वो हाइकिंग करके जो है वो थोड़ा सैंड पे पहुंच चुके हैं, और ये पीछे जो है वो इस किले की जो है वो बताई हुई हिस्ट्री और पिक्चर इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर से पढ़ सकेंगे एट द एंड ऑफ व्लॉग। ओके, सो अभी ये ऊपर किला है, और ऊपर जो है आपको दिखाते हैं किला कैसा है। अभी भी थोड़ा सा रास्ता रहता है, लेकिन ये है कि सीन थोड़ा फिट है। और ये हमारे मुजम्मिल भाई हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं। सो मूव करते हैं आगे। तो यार यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं राम फोर्ट पे। सो हाइकिंग तो थोड़ी जो है टफ थी, और दूसरी बात यह है कि फोर्ट सम हाउ अच्छा है। तो यार ये किला है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है वो 1186 के जो है वो ये खंडरात हैं, और बहुत सी चीज़ें और भी हैं इसमें। सो आपको मैं थोड़ा ऊपर से दिखा रहा हूँ। और वैसे बाय द वे, इससे सामने जो है ना, अगर सूरज वगैरह हो आए तो खैर, मौसम जो है वो बादल थे, और अगर सूरज वगैरह हो तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्योंकि यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारा नज़ारा बनता है ना। और ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से भी, और ये जो है वो मंगला डैम पे सारा। तो यार ये कुछ और अमेजिंग व्यूज़ हैं, और ये इसका एंट्रिंग पॉइंट है यहाँ नीचे से, और ये जो है यहाँ पे तालाब बना हुआ है, और इस तरह यहाँ पे भी एक तालाब था, और ये आगे भी एक तालाब है। सो ये जो है आज का हमारा जो है वो किले का सफ़र था यहाँ तक। सो यार ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।